हेलो एवरीवन, ये है वीडियोस वर्ल्ड चैनल और आज हम देखेंगे कॉलम डिज़ाइन करके, आरसीसी कॉलम डिज़ाइन करके। तो मैंने गूगल पे सर्च किया आरसीसी कॉलम डिज़ाइन एग्जांपल, तो एनपीटीईएल की एक पीडीएफ मुझे मिली जिसमें कॉलम डिज़ाइन का एग्जांपल है एनपीटीईएल के आईआईटी खड़गपुर से। तो इसमें एक एग्जांपल है जो मैनुअली डिज़ाइन किया हुआ है कॉलम, हम उसको स्टैट प्रो से करेंगे, एक शॉर्ट कॉलम डिज़ाइन किया है, फिर हम रिज़ल्ट को मैच करेंगे। देखिए ये है प्रॉब्लम नंबर टू और इसका नीचे सॉल्यूशन है। ए डिज़ाइन ए शॉर्ट स्पार्शियल कॉलम सब्जेक्टेड टू लोड, लोड गिवन है 2100 किलो न्यूटन, मोमेंट 187.5, यानी कि यूनिट्स हमारी किस में, किलो न्यूटन्स में और मीटर में। ग्रेड पी कंक्रीट और स्टील का हमें गिवन है, डायमीटर सर्कुलर है, उसके बाद इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है। डिज़ाइन करने के बाद जो डाटा आया है वो आया है आपका इतना स्टील मेन रिन्फोर्समेंट और स्टीरअप्स के लिए इतना रिन्फोर्समेंट, ठीक है। और इन्होंने जो क्लियर कवर लिया है वो 40 mm लिया है, ठीक है। और इन्होंने निकाला है आपका यहाँ पे रिन्फोर्समेंट, जो रिन्फोर्समेंट निकल के आया है आपका PU कैपेसिटी इसकी आई है 2005 एंड रेनफोर्समेंट, अच्छा ये रेनफोर्समेंट एरिया आ रहा है यहाँ पे, इसको हम मैच करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टैट प्रो मैंने ऑन किया, न्यू प्रोजेक्ट स्पेस कॉलम डिज़ाइन, यूनिट मीटर एंड किलो न्यूटन, नेक्स्ट, फिनिश। कॉलम की हाइट इसमें गिवन नहीं है, क्या कॉलम की हाइट पे से इफ़ेक्ट पड़ेगा डिज़ाइन में? नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस प्रॉब्लम में कहीं भी सेल्फेट नहीं लिया है, और जब हम सेल्फेट यूज़ नहीं करते तो कॉलम की हाइट पे कोई इसका जो रिज़ल्ट है वो डिपेंड नहीं करते। तो ठीक है, कॉलम किसी भी हाइट का ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 0 से 3 मीटर का ले लेते हैं, जनरल हाइट होती है एक बिल्डिंग की। और नीचे सपोर्ट लगाते हैं हम फिक्स सपोर्ट लगाने के बाद सबसे पहले हम देते हैं प्रॉपर्टी। अगर प्रॉपर्टी आप इस प्रॉब्लम में देखेंगे तो 500 mm डाया है, कंक्रीट M25 है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी में मैंने डिफाइन किया सर्कुलर 0.5 हाफ मीटर डाया है, कंक्रीट है मटेरियल, ऐड क्लोज, और इसको हम असाइन कर देंगे, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे R1, इसलिए होता है रेफरेंस नंबर 1, ठीक है, यानी कि इसको प्रॉपर्टी मिल गई। नेक्स्ट स्टेप है हमारा लोड्स। लोड दो लोड हैं, एक PU इसके ऊपर लग रहा है जॉइंट लोड 2100 किलो न्यूटन, और एक लग रहा है 187.5 की मोमेंट। मोमेंट की डायरेक्शन इन्होंने नहीं बताई है, लेकिन जब वर्टिकल लोड लग रहा है आपका तो मोमेंट इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो हमने लोड लिया, एक डेड लोड केस बनाएंगे, ऐड क्लोज, डेड लोड के अंदर ऐड करेंगे एक हम नोडल लोड FY- मतलब डाउनवर्ड 2100 किलो न्यूटन, और मोमेंट MZ लगाते हैं, कितना है 187.5, ऐड क्लोज। अब इस लोड को हम यहाँ जॉइंट पे लगा देते हैं, ठीक है। अच्छा, मोमेंट का एरो तो नज़र आ ही नहीं रहा है, और जो पॉइंट लोड है उसका एरो भी बहुत बड़ा है, तो एरो ठीक करने के लिए हम क्या करते थे, यहाँ पे जाएंगे स्केल अप्लाई इमीडिएटली, और यहाँ पे हम पॉइंट फोर्स की वैल्यू को आई थिंक बढ़ानी है, 0.5 की वैल्यू को, पॉइंट फोर्स दोबारा से करते हैं, एक मिनट इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, अब दोबारा से करते हैं स्केल
अप्लाई इमिडिएटली, अब पॉइंट फोर्स की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं तो एरो घट रहा है हमारा। लोड की वैल्यू बहुत ज़्यादा है 2100 किलोमीटर, इसलिए हमें ज़्यादा वैल्यू डालनी पड़ रही है इसकी, ठीक है। और जो हमारी पॉइंट मोमेंट है, पॉइंट मोमेंट, इसकी वैल्यू को भी बढ़ाना पड़ेगा हमें, जिससे एरो छोटा हो जाए। डन, ठीक है, ये हो गया। लोड वैल्यू के लिए शिफ्ट प्लस वी, ठीक है, क्योंकि हमें डिफ़ॉल्ट यूनिट किलो पाउंड और फुट है, इसलिए यहाँ पे इसलिए दिखा रहा है। नेक्स्ट क्या है हमारा, इसको एनालाइज कर देते हैं। डन, उसके बाद आता है हमारा डिज़ाइन। एक बार मूवमेंट चेक कर लें, ये मूवमेंट आ रही है और ये शेयर फोर्स आ रहा है। चलिए, आपको जाना है डिज़ाइन, कंक्रीट, IS 456, यूनिट चेंज करेंगे हम यहाँ से, मिलीमीटर, न्यूटन, ओके। डिफाइन पैरामीटर में केवल क्लियर कवर देना है हमें 40 mm, एंड हमें FC देना है 415, सॉरी FC मतलब कि कंक्रीट की स्ट्रेंथ है 25, और स्टील का है 415, और रिइंफोर्समेंट ऑफ स्टीरअप के लिए भी 415 है, ऐड कर लेते हैं, क्लोज। और कमांड के अंदर जाएंगे तो केवल कॉलम, ऐड और टेक ऑफ, टेक ऑफ को मैं बाद में बताऊंगा क्यों लिया है मैंने, क्लोज। अब इन चीज़ों को इस पे हम अप्लाई कर देते हैं। अब एनालाइज करते हैं इसको और चेक करते हैं डिज़ाइन पैरामीटर, कंक्रीट, तो इन्होंने यूज़ किए हैं एरिया ऑफ स्टील 2.15%, बार का डायस 16 और बार नंबर 21। क्या हमने कितने यूज़ किए हैं इस प्रॉब्लम में मैन्युअली में, 1 2 3 3 3 6 7 bars, सॉरी 8 bars, 25 mm डाया, ठीक है। और हमने स्टैट प्रो ने कितना लिया है, 16। अगर हम उसे 25 कैसे करें, पहले एरिया ऑफ स्टील चेक कर लेते हैं। कॉलम में इन्होंने जो एरिया ऑफ स्टील यूज़ किया है 4218 mm² और मैनुअली 3927, ठीक है। तो कहाँ हमारी गड़बड़ हो सकती है, एक बार चेक करते हैं। मोमेंट मैंने लगाई है 187.5, ठीक है, 2100 किलो न्यूटन, ठीक है, M25 415 500 mm, ठीक है, ओके। 40 mm हमने लिया है क्लियर कवर, FCK 25, एट स्पायरल एंड 12.5 डाया। हम एक चीज़ और कर सकते हैं, अगर हमें 25 का डाया जैसे उन्होंने यूज़ किया है, हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि स्टैट प्रो भी 25 का यूज़ करे। कैसे, हमें डिफाइन पैरामीटर करने होंगे और यहाँ पर जो है आपका मैक्सिमम मेन 25 डाल दिया हमने ऐड, और मिन मेन भी 25, यानी 25 का ही डाया ये यूज़ करेगा। इसको अप्लाई कर देते हैं, अब एनालाइज करते हैं इसको। डन, डबल क्लिक करके देखते हैं, अब भी इन्होंने 16 का ही यूज़ किया है डाया, और बार 21, और एरिया ऑफ स्टील यहाँ से आएगा आपका 4218 mm, 40 mm क्लियर कवर, और आपका 500 डाया, 3 mm हाइट। यहाँ पे हमने क्या गड़बड़ की है कि हमारा
लगभग उतना स्टील रिइंफोर्समेंट नहीं आ रहा है इतना इन्होंने कैलकुलेट किया है। ASC ओके इन्होंने ये लिया है, MM² 3928 MM² MU/FCK। एक बार हम लोड और चेक करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट चार्ट से थोड़ी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आएगी, 187। एक बार लोड चेक और कर लेते हैं हम, जनरल लोड्स 20 100 and 187.5 लोड, ठीक है। पॉइजन रेशियो चेक कर लेते हैं 0.2, और डेंसिटी डिवाइजर के डेंसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा रिइंफोर्समेंट आ रहा इतना। और ये हमारा शॉर्ट कॉलम, अगर हम कॉलम की हाइट कम कर दें तो कुछ फर्क पड़ेगा, चेक करें। हमने हाइट ली है 3 मीटर, इसको कर देते हैं 1.5 मीटर। अब एनालाइज करते हैं, डन, आउटपुट डिज़ाइन। देखिए रेडिया ऑफ रिइंफोर्समेंट तो उतना ही आ रहा है इसमें, ठीक है। अच्छा, इन्होंने जो टाई रिइंफोर्समेंट 8 mm डाया, 255 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ये प्रोवाइड किया है, और हमने इसमें क्या किया है, एट डाया 255 स्पेसिंग। स्टीरअप तो ठीक है हमारी, बट हमारा कवर 40 mm फॉर स्टीरअप, ओके कवर 40 mm फॉर स्टीरअप। और अगर आपका मेन इन्फोर्समेंट के लिए कवर है आपका 60.5, इसको चेक करते हैं। अगर कोई मिस्टेक मैं कर रहा हूँ तो आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे, क्योंकि मैंने डायरेक्टली ये प्रॉब्लम उठा ली, मैंने एक बार भी इसे ट्राई नहीं किया इससे पहले। तो एक बार ये 60.5 करके देखें क्या चेंज आता है, आउटपुट में डिज़ाइन बढ़ गया। जैसे ही आपने क्लियर कवर बढ़ाया आपका रिइंफोर्समेंट बढ़ गया। अगर हम क्लियर कवर हम 40 mm कर देते हैं, एनालाइज करते हैं, आउटपुट कंक्रीट 4218 square per mm square, ओके ज़्यादा फ़र्क नहीं आ रहा है, 200 mm के करीब फ़र्क आ रहा है, 250 mm square। इन्होंने परसेंटेज ऑफ स्टील चार्ट में देख के, चार्ट में एग्जैक्ट नहीं लिया है, 2% ले लिया है इन्होंने, ये देखिए 2%। और हमने कितना स्टील लिया है डबल क्लिक करके चेक कर सकते हैं, 2.15, जिसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है, ओके ये देखिए यहाँ पे 4219 एरिया ऑफ इन्फोर्समेंट रिक्वायर। तो ये हमारा ठीक है। तो कैसे लगी आपको ये ट्यूटोरियल, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।